तो नाउ हमें 6 दिन हो गए गोवा में. दिस टाइम आई थॉट के हटे हम लोग बाइक या स्कूटर रेंट करते हैं, तो क्यों ना फोर व्हीलर रेंट करें. इस मैंने फोर व्हीलर कितने में रेंट किया, कहाँ से किया, उसका टोटल इन्फॉर्मेशन आज के ये वीडियो में रहने वाला है. अगर आप गोवा में आते हो तो फिर कार या बाइक रेंट करना इज़ बेस्ट ऑप्शन, क्योंकि यहाँ पे कैसे सब प्लेसेस लंबे लंबे हैं. अगर आप रेंटल टैक्सी या समथिंग करोगे तो आपको बहुत महंगा पड़ जाएगा. तो सबसे अच्छा ऑप्शन रहता है या बाइक कर लो या कार कर लो. हम लोग बारिश में आए हैं इसलिए हम लोग ने कार की है. हमारे पास गैजेट्स एंड ऑल रहते हैं, फिर वो भीग ना जाए. इसके लिए हम लोग फ्लाई करके आए तो हम लोग ने एयरपोर्ट टू एयरपोर्ट ही कार रेंट पे ले ली है. हम लोग ने जब एयरपोर्ट पे एंट्री की, वहाँ से लेके जब हम लोग रिटर्न जाएंगे तब तक कार हमारे साथ रहेगी. जो कार रेंटल सर्विस वाले हैं वो आपको कार देने एयरपोर्ट तक आते हैं और वहाँ से ही रिसीव करके जाएंगे. गोवा में ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि आपको हर पॉइंट पे पिकअप एंड ड्रॉप का सर्विस मिल जाता है. सेम थिंग इज़ विथ बाइक और सेम थिंग इज़ विथ अगर आप बाय ट्रेन भी आ रहे हो तो आपको स्टेशन टू स्टेशन भी सर्विस मिल जाता है. तो मैंने लिया है वैगनार. वैगनार सबसे चीपेस्ट एंड बेस्ट ऑप्शन अवेलेबल है. बाकी तो बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल रहते हैं रेंटल कंपनीज के साथ में. आपका जैसा बजट है वो हिसाब से आप ले सकते हो. इनके पास 7 सीटर, 8 सीटर एंड जिप्सीज या थार ऐसे सब भी ऑप्शंस अवेलेबल रहते हैं. मुझे वैगनार पड़ी पर डे 800 रुपीज़ के रेंटल से. इसमें पेट्रोल हमें खुद भराना पड़ता है. गोवा में करंट रेट पेट्रोल का है 100 रुपीज़, मच चीपर देन मुंबई. और कार के कंडीशंस ओके रहते हैं. कभी कभी आपको न्यू कार भी मिल जाती है. जो हमें कार मिली है उसका कंडीशन अच्छा है. अब तक तो हमें कोई प्रॉब्लम दिया है नहीं. हम लोग ऑलमोस्ट अभी 6 दिन से गाड़ी चला रहे हैं और हम लोग ने अच्छा खासा ड्राइव भी किया है. सिर्फ एसी थोड़ा सा कम काम कर रहा है बट वेदर इतना अच्छा है कि बहुत टाइम हम लोग विंडोज़ डाउन करके भी ड्राइव करते हैं और बहुत अच्छा लगता है. एक बात का ध्यान रखो कि जब भी आप कार रेंट पे लेते हो तो पहले आप कार का पूरा चारों तरफ से अंदर से वीडियो निकाल दो, कहाँ पे क्या छोटा मोटा स्क्रैच है या कुछ ब्रोकन है. क्योंकि फिर जब आप रिटर्न करते हो कार तो वो टाइम पे आपका और वो जो जिसने कार प्रोवाइड किया उनके बीच में कोई प्रॉब्लम होना नहीं चाहिए. ऐसे इन लोग कोई भी कार हो तो उसके लिए इन लोग डिपॉजिट अमाउंट लेते हैं. हमारे पास से 3000 रुपीज़ लिया था जो कि हम कार रिटर्न देंगे तब हमें रिटर्न मिल जाएगा. अगर आपसे कुछ छोटा मोटा कुछ हो जाता है तो उसमें से डिपॉजिट में से वो अमाउंट कट जाता है. एंड गोवा के रोड्स आर मच 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 बेटर देन मुंबई. हम लोग को कहाँ पे भी ऐसा एकदम ख़राब रोड तो कहाँ पे भी नहीं मिला. और मुंबई में अगर इतना ही डिस्टेंस हम लोग कवर करते तो तब तक हम लोग को 3 टोल लग चुके रहते हैं. यहाँ पर तो एक भी टोल भी नहीं मिला. तो आई विल से कि गोवा में सेल्फ ड्राइव करना इज़ मच चीपर एंड सेफ. यहाँ के जो लोकल लोग हैं वो भी आपको हेल्प करते हैं और काफ़ी फ्रेंडली लोग हैं. कल ही जब हम लोग ड्राइव कर रहे थे तो टायर पंक्चर हो गया था तो वहाँ पे लोकल बंदे ने हमें हेल्प किया कि हाँ कहाँ पे पंक्चर वाला है उसे ढूंढ के वहाँ तक गाड़ी लेके जाने में. तो देट वॉज सो फ्रेंडली ऑफ हिम. अब तक का मेरा एक्सपीरियंस कार रेंटल का एंड गोवा के रोड्स का और ऑल ओवर एक्सपीरियंस अच्छा था. अगर आप कॉन्फिडेंट हो ड्राइविंग में तो गोवा में कार रेंटल 100% करना चाहिए. जिस कंपनी के साथ में कार रेंट पे ली है उसका कॉन्टैक्ट नंबर, उनके लिंक मैं सब नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा. हम लोग ने गाड़ी ऑलमोस्ट 415 किलोमीटर चलाया. मैंने एक बार 1500 रुपये का और उसके बाद में आ गए 1500 रुपये का, यानी 3000 रुपये का पेट्रोल डाला था गाड़ी में जब से मैंने लिया. पूरा वीक गाड़ी चलाया. तो दैट्स इट फॉर द वीडियो. अगर आपको कार रेंटल के बारे में या यहाँ के रूल्स के बारे में कुछ भी पूछना है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे पूछ सकते हो. और बाकी का टोटल इन्फॉर्मेशन मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है तो प्लीज़ वहाँ पे जाके चेक करो. अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ शेयर दिस वीडियो, लाइक एंड कमेंट और नोटिफिकेशन बटन दबाओ.